हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना और आज हम बनाने वाले हैं झटपट और बहुत टेस्टी सा बनने वाला मिनी पिज्ज़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक पैन और इसमें ले लिया है थोड़ा सा ऑयल और इसमें मैंने डाल दी है ये चॉप की हुई गाजर। आप रेड या ऑरेंज कोई भी गाजर ले सकते हैं और अगर आप अनियन खाते हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैंने ले लिए है ये हरी शिमला मिर्च और साथ में लाल शिमला मिर्च, जी हाँ रेड बेल पेपर, ये भी मैंने इसमें मिक्स कर दी है। और जो भी सब्ज़ियाँ आपको अच्छी लगती हैं, जो पिज़्ज़ा टॉपिंग आपको अच्छी लगती है, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम थोड़ी देर सौते कर लेंगे और इसके बाद मैंने इसमें ग्रीन चिली ऐड की है। चिलीज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दिया है और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड की हैं जो इसके कलर को, इसके टेस्ट को एनहेंस करेंगी। तो चलिए अब इसको हम 5-10 मिनट के लिए थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं जिससे ये सब्जियां जो हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। देखिए सॉफ्ट हो गई हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स। ये बहुत छोटे छोटे क्यूब्स हैं क्योंकि मैं आपको कैमरे के बहुत पास ला के दिखा रही हूँ, इसलिए ये बड़े लग रहे हैं आपको, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे पीसेज हैं। और साथ में ही मैंने इसमें मिक्स कर दी है 2 चम्मच टमाटो सॉस। आप चाहें तो इस पे पिज़्ज़ा, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो वो भी मिक्स कर सकते हैं। और ये देखिए ये है चीज़ स्लाइस, वो भी एक मैं इसमें इस तरह से डाल दूंगी। तो ये जो है बहुत अच्छा टेस्ट करती है और बच्चों को ये बहुत पसंद होती है। तो अगर आप बच्चों को सब्ज़ियाँ खिलाना चाहते हैं तो इस तरह से भी खिला सकते हैं। चुपके से इसमें मिक्स कर दीजिए, पता नहीं चलेगा। और साथ में ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मोज़रेला चीज़, वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है। तो अब हमें इसको ग्रिल करने की, इसको अलग से अवन में बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इस तरह से ही हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। देखिए चीज़ भी मेल्ट हो रहा है और बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है ये। तो ये देखिए सब्ज़ियाँ कितनी यमी और टेस्टी सी लग रही हैं और रेडी हो गई हैं। अब मैंने एक ले लिया है पैन, इस पर थोड़ा सा बटर डाल दिया है और ये ले लिए हैं ब्रेड पीसेस जो मैं इस पर सेक लूँगी। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं मिनी पिज़्ज़ा और आपके यहाँ अगर गेस्ट आ रहे हैं तो उनको ये सर्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी सिंपल सी रेसिपी है और 1 बाइट रेसिपी है। 1 बाइट में पिज़्ज़ा, छोटा सा पिज़्ज़ा मुँह के अंदर और घुल गया। तो चलिए इस तरह से देखिए मैंने ब्रेड के 4 पीसेस कर लिए हैं। बहुत मीडियम साइज़ की ब्रेड है, बहुत बड़ी ब्रेड नहीं ली है मैंने और अभी बहुत गर्म है क्योंकि। तो इसी तरह से दूसरी ब्रेड के भी मैंने 4 पीसेस कर लिए हैं। और बस अब क्या करना है, इसके ऊपर टॉपिंग रखिए और कोई भी अगर आपको सॉस और चाहिए तो आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो कोई सॉस नहीं यूज़ की है, हरी चटनी थोड़ी सी यूज़ की है। तो किस टॉपिंग के साथ आपको खाना अच्छा लगता है पिज़्ज़ा और किस तरह से आप बनाना पसंद करते हैं, कौन सी सब्ज़ियों के साथ, कौन सी सॉस के साथ, मुझे ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और कैसे लगा आज का ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।